बड़ी खबर जल्दी से मुझे बतानी होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी मुख्यालय इस वक्त अमित शाह पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस में ही मौजूद है। कई राज्यों को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की इस वक्त ये बैठक और इसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है, चर्चा सेंट्रिक किस पर रहेगी? देखिए पूर्णिमा, कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जो जिसपे की कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। यूपी की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 30 सीटों को लेकर के कोर ग्रुप में चर्चा होगी और उसके बाद इन नामों को सीईसी के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक दो दिन में आहूत की जा सकती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो मिशन दक्षिण पर लगे हुए हैं, कर्नाटक दौरे पर, तमिलनाडु दौरे पर लगातार रह रहे हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख या 20 तारीख का समय हो सकता है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। फिलहाल यूपी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक जारी है और इसके अलावा राजस्थान की बैठक भी कुछ देर में संभावित है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं दोनों, डिप्टी सीएम दीया कुमारी और भैरवा, ये दोनों बैठक में मौजूद होंगे। इसके अलावा सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, यूपी की बैठक शुरू हो चुकी है और उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बैठक होगी और उस पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।